हर साल की तरह इस साल भी कई नए चेहरे बॉलीवुड में अपना सफर शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हर साल तमाम एक्टर और एक्ट्रेस अपनी पारी का आगाज करते हैं, इनमें से कुछ स्टार किड भी होते हैं, लेकिन 2018 इसलिए खास है क्योंकि एक ही साल में इतने स्टार किड्स पहले कभी डेब्यू करते नहीं देखे गए। इस साल भी बॉलीवुड में कई लोग हाथ आजमाएंगे, यानी कि डेब्यू करेंगे। उन्हीं में से एक हैं यह लड़की जिसकी आपने ऊपर देखी है तस्वीरें। आपको बता दें कि फोटो में दिखने वाली लड़की की कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की के पिता बॉलीवुड के फेमस निर्देशक और मां ने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि फोटो में दिखने वाली ये लड़की कौन है। यदि अभी भी आप नहीं समझे तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि आखिर फोटो में दिखने वाली ये लड़की कौन है जो जल्द ही बॉलीवुड की एक दमदार फिल्म में नजर आने वाली है। जी हाँ, दरअसल हम बता रहे हैं जल्द ही शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के साथ फिल्म धड़क में नजर आने वाली जाह्नवी कपूर। धड़क 2016 की मराठी फिल्म सौराठ पर आधारित एक आगामी फिल्म है। यह फिल्म शशांक खेतान द्वारा निर्देशित है और प्रमुख भूमिका में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर हैं। फिल्म का निर्माण धर्म प्रोडक्शन और जी स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म में जाह्नवी और ईशान बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। बीते दिसंबर महीने में ही राजस्थान में फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हुआ था। इसके बाद पूरी टीम ने इसका जश्न मनाया था और तस्वीरें खिंचवाई थी। इसके पहले ही फिल्म के कुछ पोस्टर जारी किए गए थे जिसमें रिलीज डेट 6 जुलाई बताई गई थी। हालांकि नए पोस्टर में साफ है कि अब यह फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन के इस फिल्म में डायरेक्टर शशांक खेतान हैं, जो पहले वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का निर्देशन कर चुके हैं। धड़क को सुपरहिट मराठी फिल्म सौराठ का रीमेक बताया जा रहा है। सौराठ एक प्रेम कहानी थी जिसे काफी पसंद किया जा चुका है। गौरतलब है कि बीते शनिवार दुबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की निधन हो गया था। इसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ संस्कार हुआ है। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों वालों में कई 7 बॉलीवुड स्टार भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं बोनी कपूर कई फिल्मों में निर्देशन की भी भूमिका निभा चुके हैं और जाह्नवी कपूर उन्हीं की लड़की है। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।